दानिश जैन अपने जैन को छोड़कर बेचारा कब का इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन आज भी लोग उसको बदनाम करने में एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ए है समीर स्टाइलो, ए आज भी दानिश जैन को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। जी हाँ, वो रियाज शेख, जैसा कि ओम शांति ओम फिल्म देखा था आपने दोस्तों, बस उसी तरह आज हम देख रहे हैं वीडियो जिसमें आप स्टारों को नजर आ रहे होंगे, आपको कि वो स्टार कौन है मेरे पास बैठे हुए, आप जानते हैं कौन है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों सितारे मेरे साथ हैं। क्या बोला तूने? सितारे लगता है किसी जले हुए भट्टे से कोयले को उठा के लेके चले आओ, अगर लाइट चली जाए तो चेहरा भी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मेरी जान, यानी कि समीर स्टाइल हो, इतना सपोर्ट और इतना प्यार मैं बता नहीं सकता आपको, ये चैनल हमेशा से मेरे सपोर्ट में रहा है। बिल्कुल सही बोला भाई तूने, ये चैनल वाले तेरे फुल सपोर्ट में हैं, तुझको गाली दिलवाने पे। अंताज, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका फैजान ताज। मैं भी जो हमारे चाचा है हमको हमेशा बचपन से गाइड करते हुए आए कि बचपन से चाचा के गाइड की वजह से तू यूट्यूब पे आकर के ऐसी बवासीर बना रहा है। मैं भरोसा रखता हूँ मेहनत पे, किस्मत पे और खुदा पे। सही बोला भाई, तेरी मेहनत और खुदा का सपोर्ट दोनों ने मिलकर के तुझे छपरी बना दिया। yes. ये सब तीनों चीजों को मिला के आज जो भी बने हैं हम आपके सामने, जो सब हैं, सब कुछ मिला करके तू क्या ही बन गया, छपरियों का सरदार। मैं वो बीती अतीत की बातें मैं बताना नहीं चाहूंगा लोगों को, कि बताना भी मत भाई, क्योंकि गुटके तू पहले बहुत खाया करता था और तुरंत छोड़ छाड़ के वाला कोई गाड़ी की बैटरी लेके भाग रहा। सही किया लोगों ने, उनको भी पता था कि इस कचरे को उठा के क्या फायदा, ले चलो बैटरी ही उठा ले चलते हैं, कम से कम 100-200 रुपए ही मिल जाएंगे। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। सही बोला तूने, अगर दानिश भाई होते तो तुम जैसे छपरियों का नामो निशान मिला ही ना होता। कॉपी किए, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, हमको खर्रे कुट्टे थे, पांडे ले बैठे थे, कॉपी करके भी क्या ही उखाड़ लिया, अभी भी तो तू छपरी ही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। क्या बोला तूने? इन्फ्लुएंसरिंग, अरे 12वीं फेल हो, इन्फ्लुएंसरिंग नहीं इन्फ्लुएंसर होता है, इन्फ्लुएंसर जो कंटेंट क्रिएट करता है। इसीलिए मोदी सरकार ने कहा है घर घर जाकर के शिक्षा लो, अगर पढ़ लिया होता तो तेरा ऐसा इन्फ्लुएंसरिंग करने का नतीजा नहीं हुआ होता। फैजान ताज के पास, फैजान ताज की जिंदगी पे रोशनी डालते हैं। सही बोला चाचा जी आपने, इसकी जिंदगी अभी भी अंधेरे में ही है, क्योंकि तभी तो यूट्यूब पे आकर के दानिश जैन का नाम लेकर के अपना चैनल मोनिटाइज कर रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। हाँ सही बोले तूने, क्योंकि तुम जैसे छपरियों को इन्फ्लुएंसरिंग जो सिखा दिया दानिश भाई ने, वो था कि जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और बेटा जो पसीने से नहाता है वो पूरा इतिहास बदलता है। हाँ मेरी जान। तो बाकी दोस्तों, इन चमन चूतियों लोगों की बात सुन करके मेरे को इन पे एक शायरी याद आया, तो मैं बोलना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि डॉली ने दुबई में भी लगा ली अपनी चाय की टपरी, कि डॉली ने दुबई में भी लगा ली अपनी चाय की टपरी, और तू इंटरव्यू दे करके क्या ही उखाड़ लिया, अभी भी तू है नल्ला छपरी। हाँ मेरी जान। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी मजेदार रोस्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।